My name is Shrivi Garg. I am from class 11th B. Today I am representing Lotus House and my theme is Punjabi food. So today I am making chole bhature. For making chole bhature, मैंने छोले जो थे वो काबुली चने यूज़ किए हैं और जिन्हें मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था, जिन्हें आप 4-5 घंटे पहले भी भिगो के रख सकते हैं। काबुली चने पानी में से निकाल लिए हैं और मैं इन्हें उबाल लगाने जा रही हूँ। तो पहले हमने कुकर थोड़ी देर गैस पे चढ़ा दिया था। नहीं, ये नहीं किया, बस पानी इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर तक डालेंगे और उसके बाद हमने कोटली बनाई थी। इसके अंदर मैंने चाय पत्ती और आंवला रखा हुआ है जो इसे ना अच्छा गहरा काला रंग देगा। ठीक है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे जिससे जो हमारे छोले होंगे वो क्या होंगे, अच्छे से फूल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, पल जाएंगे। वो बाद में बता दूँगी। इतने छोले बोल रहे हैं, इतने हम दूसरी तरफ हम 5-6 सीटी लगाएंगे और इतना छोले उबल रहे हैं हम दूसरी तरफ टमाटर पीस नमक डालो। तो अब हम इधर टमाटर का छोक बनाएंगे। डाल दिया है जिसको हम गर्म होने देंगे पहले। अब हम इसमें तेल को थोड़ी सी देर गर्म होने देंगे और तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डाल देंगे। इधर जीरा भुन रहा है, अब हम इसमें अपना टमाटर का पेस्ट डालेंगे। तो उससे पहले हम इसमें लाल मिर्च डाल लेंगे और एकदम ही हम अपने हाथ में टमाटर का पेस्ट रखेंगे वरना लाल मिर्च हमारी जल जाएगी। गैस में जल्दी डाल। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भुना हुआ जीरा डालेंगे। जब तक पकाएंगे जब तक कि अपना तेल जो अलग से छोड़ ना दे और इसमें लाल गहरा सा रंग ना आ जाए। ठीक है, तो आप ये देखिए कि हमारे टमाटर जो अभी तक पक गए हैं। देखिए कैसा रंग आ रहा है, इनमें कैसा सा रंग आ रहा है ना, लाल गहरा। अब हम इधर हम अपने भटूरे का डो तैयार करने जा रहे हैं जिसमें हमने आधा किलो मैदा डाली है और हम 100 ग्राम तक सेमोलिना डालना है इसमें और हम इसे सोडा वाटर से करेंगे जिससे सोडा वाटर जो होता है ना, इंस्टेंट छोले भटूरे बना रहे हैं, सोडा वाटर ने बहुत अच्छा डफ को जो बहुत अच्छा हमारा फुला देगा, बहुत सॉफ्ट बना देगा इसे हमारे डफ को। ठीक है, अब हम देखिए हम इसमें सोडा वाटर में कैसा हमारा फूलता हो रहा है, वो एकदम ही जैसे जा रहा है। तो और आप जैसे मान रहे हैं हम आपको वैसे ही मान देना है, आप मानते हुए देखिए, हाथों को देखिए आप। अब देखिए हमारा लोग कैसा हो चुका है, बहुत सॉफ्ट सा हो रहा है। हाँ, और अब हम इसे थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए, जिसके बाद ये थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा। हम इसके भटूरे तब बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे छोले हो गए हैं, नहीं हुए हैं। अब हम इसमें से अपनी पोटली जो है उसे निकाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारे छोलों का रंग कैसा आया है और ये अच्छे से हो भी गए हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। जो हमने टमाटर पकाया था ना, टमाटर आपको भी रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे ट्राई करो। अब हमने चलाते हुए उबाल लगाएंगे। डो चेक करेंगे और जब हमारा डो है वो थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी का हाथ लगाएंगे अपना। उसको हम थोड़ा सा रिफाइंड का हाथ लगा के हम इसे थोड़ा सा लीव कर लेंगे। उसके बाद हम इसके भटूरे बनाना शुरू करेंगे। हमने यहाँ पे भटूरों के लिए अपना रिफाइन गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम अपने भटूरे को कढ़ाई में डालेंगे। देखिए कैसे फूल रहे हैं ना, सोडा वाटर के उससे हो रहा है। देखिए, एंड नाउ यू कैन सी हाउ इट ऑल लुक्स। रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई जरूर करेंगे। आई होप यू एंजॉय योर डिश।